सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा के वर्क वीजा के प्रोसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला आपका प्रोसेस जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है कि एक जॉब होनी चाहिए। अब ये जॉब ढूंढी कैसे जाएगी, ये माल्टा की अलग अलग वेबसाइट से ऑनलाइन ढूंढी जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सीवी और कवर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। सीवी और कवर लेटर आप यूरोपास की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पर मैं आप लोगों को आपके लिए सीवी और कवर लेटर बनाकर आपको दे सकता हूँ। और ये सीवी और कवर लेटर से आप अप्लाई करोगे माल्टा की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर। ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो माल्टा में काम करती हैं कि यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, बट एक्चुअल में जो इंटरनेशनली अब्रॉड में जो लोग बैठे हुए हैं, या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ भी आप लोग हो, आप लोग वहाँ से कैसे ढूंढोगे और कौन सी वेबसाइट एक्चुअल में काम कर रही है आपको जॉब देने के लिए। तो ऐसे आपको पांच मैं वेबसाइट बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके काम आएंगी, आप लोगों को जॉब ढूंढने में थोड़ा इजी भी होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस पहले गेन कीजिए। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपके जो जॉब ढूंढने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका हार्डवर्क लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो जगह अप्लाई किया और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवन कि जब लोग हम लोग माल्टा में बैठे हुए हैं और हम लोगों को यहाँ पर जॉब ढूंढनी है, हम लोगों को भी एटलीस्ट हर रोज 10 से 15 जो कंपनीज है या रिक्रूटमेंट एजेंसीज है या जो भी वेबसाइट है उन पर जो वैकेंसी निकलती है उन पर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर हमें कोई एक दो जगह से रिस्पॉन्स आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने 5-6 जगह अप्लाई किया, आपने देखा कि यार कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया और वो छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एटलीस्ट एक दिन में अपना एक महीने का टारगेट बना के चलिए कि मुझे एटलीस्ट 100 से 150 कंपनीज को या रिक्रूटमेंट एजेंसीज को मेल करना है, उन लोगों को हर रोज किसी ना किसी मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ऐसी शुरुआत में आप लोगों को मैं 5 ऐसी वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पर आप डायरेक्ट हर रोज अपनी जो फील्ड है उससे रिलेटेड जॉब ढूंढ सकते हो और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ और यहाँ के जो एम्प्लॉयर है उनको पसंद आया आपका एक्सपीरियंस, तो 100% चांस है कि आपका वीज़ा भी आएगा और यहाँ पर आने का खर्चा भी आपका बहुत कम आएगा, बहुत ही कम चार्जेस में आप लोग माल्टा में पहुँच जाओगे। सबसे पहले जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ वो है ब्रॉडविंग रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक्चुअल में माल्टा में ही बेस्ड है और ब्रॉडविंग के नाम से बहुत फेमस एजेंसी है ये, जो कि इंटरनेशनली भी हायर करती है, बट ये टैलेंटेड लोगों को ही हायर करती है। ऐसा नहीं है कि कोई क्लीनर को कर लिया या वेटर को कर लिया, जिन लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है किसी फील्ड में, HR से या अकाउंटेंट में या IT में, इन अगर कंपनीज में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ब्रॉडविंग की वेबसाइट ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ जो सैलरी है वो भी बहुत हाई दिखाते हैं, मतलब दिखाते क्या है, मिलती भी बहुत हाई है। जैसे अगर एक नॉर्मल मैनेजर की भी बात करें तो उसको मंथली आप लोगों को कम से कम 2500 से 3000 यूरो तक का जो पैकेज है वो मिल जाता है, जो कि 2-3 लाख रुपए के आसपास बनता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। पहली वेबसाइट मैंने आपको बताई ब्रॉडविंग रिक्रूटमेंट एजेंसी। सेकेंड जो वेबसाइट है वो है www.findajob.com.mt। इन सभी वेबसाइट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, अगर आपको इन वेबसाइट का एक्सेस चाहिए तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोग वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। सेकंड वेबसाइट मैंने बताई www.findajob.com.mt। थर्ड आप लोगों के लिए जो वेबसाइट है वो है www.jobsinmalta.com। ये जॉब्स इन माल्टा वाली जो वेबसाइट है इस पे आप किसी भी फील्ड के लिए ट्राई कर सकते हो। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अकाउंटिंग, बिजनेस, IT या डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, आपको बहुत सारी जॉब मिल जाती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर भी जॉब बहुत सारी मिलती हैं और हर रोज यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं बहुत सारी जॉब। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट वेबसाइट मैं कह सकता हूँ कि जॉब्स इन माल्टा एक बेस्ट वेबसाइट है जो कि लोगों को हायर करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है keepmeposted.com.mt। keepmeposted जो वेबसाइट है ये भी काफ़ी रेपुटेड जो यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसीज में आती है ये भी, और ये भी डायरेक्ट हायरिंग करती है। अगर आप यहाँ भी ट्राई करते हो, अगर आपके पास अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है careerjet.com.mt। अब careerjet की वेबसाइट है, यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है, हर फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को वैकेंसी मिल जाएगी, आप किसी भी फील्ड में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक बोनस में मैं आप लोगों को एक वेबसाइट और बताता हूँ जिसका नाम है topjobmalta.com। अब जो topjobmalta.com है ये भी काफ़ी रेप्यूटेड वेबसाइट है जिसपे आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो और जॉब अप्लाई कर सकते हो।
तो ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताएंगा, बट अभी आप इन वेबसाइट पर ट्राई करो। इन वेबसाइट पर अगर आप ट्राई करोगे और अपने जो फील्ड है उससे रिलेटेड जॉब सर्च करोगे, आप लोगों को बहुत सारी जॉब मिलेंगी। एक अच्छा सा सीवी और कवर लेटर बनाइए ताकि आप डायरेक्ट इन जॉब्स पर अप्लाई कर सको। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बात ये होगी कि आप बिना खर्चे के माल्टा में आ सकते हो। अगर बिना खर्चे के कोई माल्टा में आना है तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, जो मेरे हिसाब में। ठीक है, तो आप इन जो मैंने टॉप वेबसाइट बताई है, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट उन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे भी पहुंच जाओगे, वहां पर आप अपने रिलेटेड जॉब ढूंढ सकते हो। तो होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।